हेलो और वेलकम टू ऑल, आई होप यू ऑलरेडी फाइन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्किन एलर्जी के बारे में। वैसे मैं इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, शायद आपने वो वीडियो देखा होगा, और जिसमें हमने सेवलॉन के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्किन एलर्जी पे, अगर चेहरे पर लाली है या फिर पिंपल्स हैं या फिर खुजली बहुत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम घर में ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सबसे पहले मेरी तो सलाह आपसे यही रहेगी कि अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप अपने नियरेस्ट जो भी स्किन स्पेशलिस्ट उसको दिखाएं, क्योंकि देखने से जो प्रॉब्लम का डायग्नोस होता है वो सबसे बेटर होता है और उसमें एक बेटर ओपिनियन भी दिया जा सकता है, तो वो सबसे पहले सही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको उससे रिलेटेड जो भी आपने जिस तरीके के मुझे कमेंट किए हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसमें लाली है, दाने हैं, पिगमेंटेशन है, काले दाग हो गए, तो उसमें आप घर में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो आइए जानते हैं। चेहरे में लाली हो जाने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कोई भी चीज़ चेहरे पर यूज़ नहीं कर पाते, और अगर कोई भी चीज़ हम लगाते हैं तो जलन महसूस होती है, अनकंफर्टेबल फील होता है। ऐसे में अगर आप कोई भी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको लगाना बंद कर दें कुछ समय के लिए, और तब तक आप जो घरेलू उपाय है उनको करें। उसमें जो सबसे आसान उपाय है आपके लिए वो ये है कि जो घर में हम दूध मंगाते हैं उसकी जो रात में रखने के बाद जो मलाई जमती है उसको आप आधा चम्मच ले लें और उस मलाई को चेहरे पर लगाएं। इसको लगाने के दो तरीके हैं। अगर आपके चेहरे पर लाली है, खुजली भी है, तो आप केवल सिर्फ मलाई ही का इस्तेमाल करें, और अगर आपके चेहरे पर लाली नहीं है, खुजली भी नहीं है, तब आप उसमें कुछ बूंदे नींबू की मिला सकते हैं, जिससे कि आपका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होगा, साथ ही साथ जो पिगमेंटेशन हुआ है, जहाँ जहाँ पर दाग हो गए हैं वो दाग भी जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। नींबू में जो विटामिन सी होता है उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि वो आपके पिगमेंटेशन को कम करता है और जो दाग हो गए हैं, धब्बे हो गए हैं, उनको बिल्कुल क्लियर करके स्किन के नेचुरल कलर में मैच करेगा। लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होता, इसके लिए बहुत समय लगता है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रोसेस को आपको दिन में दो बार कोशिश करें तो करें कि जहाँ जहाँ पर आपके पिगमेंटेशन है वहाँ पर मलाई और नींबू का जो मिक्सचर बनाया है आपने आधे चम्मच का, उसको वहाँ वहाँ पर लगाएं जहाँ जहाँ पर आपके ज़्यादा पिगमेंटेशन है। और अगर आपके पूरे फेस पर ही प्रॉब्लम है तो आप उस मलाई और नींबू के पेस्ट को पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं। ये जो पेस्ट बनता है आधे चम्मच मलाई का, इसमें आप नींबू को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ ड्रॉप ही डालेंगे, यानी 5 ड्रॉप या 4 ड्रॉप या 3 ड्रॉप एज पर योर रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से डालेंगे। ज़्यादा अगर आप ड्रॉप्स में डालेंगे तो ड्राइनेस भी आ जाएगी चेहरे पर, तो इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर लूँ नींबू का तो मुझे एकदम फ़ायदा हो जाएगा, नहीं, बल्कि इससे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, तो इसका आप इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। जो अगली बात है वो ये है कि जिनको ओके थैंक यू, ही इज़ माय कोलीग एंड ही ब्रॉट अप अ कॉफ़ी फॉर मी एंड आई लव कॉफ़ी, नाइस स्मेल भी अच्छी आ रही है, एंड आई होप आप सबको भी कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती होगी। और आप जब भी कहीं बाहर जाते होंगे, चाहे पार्टी में, शादी में या कहीं और, तो आप ज़रूर कॉफ़ी पीते होंगे। कॉफ़ी बनाने का एक घर पे भी बहुत अच्छा आसान तरीका है, जैसे कि आप मार्केट में रहते हैं उस तरीके की ही कॉफ़ी आप घर पे भी बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगा, बिकॉज मैंने कॉफ़ी मशीन को ऑनलाइन ऑर्डर किया है, और वो कौन सी मशीन है और कैसे उस पर हम एक बेटर कॉफ़ी बना सकते हैं बिल्कुल ऐसी जैसे कि बाहर मिलती है, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। अभी तो हम बात कर रहे हैं स्किन के बारे में, तो टिल देन जस्ट हैव अ ब्रेक और मैं इसके बाद आपसे मिलता हूँ। हमारी बात हो रही थी स्किन से रिलेटेड। स्किन से रिलेटेड जो अभी हमने आपको बात बताई कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्किन में लाली है या फिर खुजली है या लालपन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको नींबू का इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि सिर्फ मलाई लगाना है। मलाई यानी जो दूध से निकली हुई मलाई है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए भी होता है और दूसरे विटामिन भी होते हैं, जो कि हमारी स्किन को बहुत जल्दी हील करेंगे। और जो लाली है या फिर जो स्किन में जो भी रैप्चर्स हो गए हैं, जो दूसरी कोई क्रीम, हार्श क्रीम लगाने की वजह से जो नुकसान हुआ है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो अगर इस तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम है तो दूसरी क्रीमों को आप अभी इस्तेमाल ना करें, बल्कि ये छोटा सा घरेलू जो नुस्खा है उसको इस्तेमाल करें। दिस इज़ द वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, और घर में ये हर किसी के आसानी से अवेलेबल होगा और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है।
ध्यान रखिए कि जब हम रात में मलाई लगाते हैं तो एक छोटी टॉवल, एक तकिया अलग बना लीजिए, क्योंकि मलाई में थोड़ी स्मेल भी आती है और जिस जगह पर आप लेटेंगे उस बिस्तर या बेडशीट या फिर उस चादर में बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ सकती है, तो इसका आप ध्यान रखें। बाकी इन दोनों चीज़ों को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के मिक्सचर को। दिस इज़ वेरी बेटर ऑप्शन फॉर स्किन की प्रॉब्लम के लिए, और इसमें हाइपर पिगमेंटेशन में भी अच्छा काम करेगा, आपकी स्किन में ग्लो भी लेकर आएगा, आपकी स्किन में चमक भी लेकर आएगा, जो कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया है उसको भी ठीक करेगा, और साथ ही साथ जो स्किन में विटामिन्स की कमी है उसको भी पूरा करेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी, और जो हार्श केमिकल की क्रीम आपने इस्तेमाल की है उसे आप अभी थोड़ा सा बंद कर दीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम अगले वीडियो में दूसरे नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, एंड बाय बाय।